अगर ठंड के कारण जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया दोस्तों, घुटने बिल्कुल जकड़ गए हैं, अकड़ गए हैं, चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है, तो आप इसकी सुबह शाम आधी आधी चम्मच लीजिए दोस्तों, और फिर देखिए 4-5 दिन में ही जो घुटने अकड़ गए हैं वो सब आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जो इंसान दर्द के कारण चारपाई पर आ चुका है ना, वो इंसान भी अच्छी तरह चलना फिरना शुरू कर देगा। और इसके साथ ही अगर घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है, चिकनाई खत्म हो गई है, घुटनों में गैप आ गया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगी और जो घुटनों में चिकनाई की प्रॉब्लम है वो भी आपकी दूर हो जाएगी और आपके जोड़ों के दर्द को बिल्कुल खत्म कर देगा। 80 साल की उम्र तक भी आपके जोड़ों में दर्द नहीं होगा। वीडियो को आपने पूरी देखना है, अच्छे से समझना है और फिर यूज करना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप आए हैं किचन शाला में और किचन शाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लिए हैं अखरोट, वॉलनट भी बोलते हैं। आप जब भी लें तो कोशिश यही करना कि ये साबुत वाले अखरोट लें। आजकल तो मार्केट में बड़े अच्छी क्वालिटी के आते हैं, आराम से टूट जाते हैं। और इनमें से आप गिरी निकालना, जो गिरी निकली हुई होती ना पहले से, वो ना खरीदना, क्योंकि जो गिरी निकली हुई होती है ना, पता नहीं कब की पैकिंग होती है, और जो इनके अंदर जो तेल होता है, ऑयल होता है, वो बहुत पुराना होने के बाद सूख जाता है। आप कोशिश यही करना कि ये साबुत वाले अखरोट लें और साथ के साथ निकाल के आप इनका यूज करें। हमने इतने सारे अखरोट नहीं चाहिए। ये जो अखरोट होते हैं ना दोस्तों, ये घुटनों की जो चिकनाई खत्म हो जाती है उसको बनाने के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। जिनके भी जोड़ों में दर्द है और जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं और जिनकी याददाश्त कमजोर है, इन तीन टाइप के लोगों को तो अखरोट का सेवन जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये जो अखरोट होता है दोस्तों, इसमें जो ऑयल होता है ना, अगर आप सुबह सुबह 2 अखरोट की गिरी डेली रोज खाते हैं खाली पेट, तो आपके घुटनों में जो चिकनाई खत्म हो गई है ना, वो दोबारा से बन जाएगी। अगर आप 40-50 साल की आपकी एज हो चुकी है तो आप इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। सुबह उठते ही आप 2 अखरोट की गिरी हर रोज खा लीजिए, आपके घुटनों की चिकनाई कभी खत्म ही नहीं होगी, और खत्म हो चुकी है तो वो दोबारा से बन जाएगी। और ये जो अखरोट होते हैं, जो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ना, उसको भी ये कम करते हैं, इसलिए हार्ट के पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, और ये हमारी याददाश्त को भी बढ़ाते हैं, इसलिए अखरोट का सेवन जरूर करना चाहिए। हमने एक दिन में सिर्फ 2 अखरोट चाहिए। 2 अखरोट में जो गिरी हैं 4 पीस निकलते हैं, ये बस एक दिन में ले लें। सुबह सुबह उठते ही खाली पेट आपने ये लेने हैं। अब तो जैसे सर्दियां हैं तो आप इनको ऐसे ही खा लीजिए, अब भिगोने की ज़रूरत नहीं है। और अगर गर्मियों में लें तो आप इनको रात को सोते टाइम भिगो देना और सुबह इनका छिलका उतार के खा लेना, क्योंकि जो अखरोट हैं वो गर्म तासीर के होते हैं। ये मैंने जो तरीका आपको बताया दोस्तों, ये किसी का सुना सुना नहीं है। जो मेरे फादर इन लॉ हैं, 76 ईयर्स ओल्ड हैं, 76 साल के हैं, और वे 5-6 साल से सुबह खाली पेट 2 अखरोट की गिरी खाते हैं और ठीक रहते हैं बिल्कुल। जब वो 50 साल के थे तब उनके घुटनों में दर्द था, लेकिन अब वो 76-76 साल के हैं, अब उनके घुटने ठीक हैं। तो ये मैं किसी का सुना सुनाया नहीं तरीका बता रही, जो हमारे घर में यूज होता है वही मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन दोस्तों, हर कोई अखरोट नहीं खरीद सकता, सब तरह के इंसान होते हैं। कोई जो अखरोट ले सकते हैं वो ज़रूर खाइए, और जो नहीं ले सकते, मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। बहुत ही सस्ता तरीका है और 10 रुपये में बिल्कुल तैयार होने वाला है। ये देखिए, ये दूसरी चीज़ हमने गोंद लिया है। सर्दियों में गोंद खूब मिलता है, आप 10 रुपये का ले आइए, घर के आसपास की हर दुकान पर मिल जाता है। ये बबूल का गोंद है, जो कीकर होती है ना उस पर जो लगता है वो वाला गोंद है। इसे इडिबल गम भी बोलते हैं और कहीं कहीं डिंक भी बोलते हैं। आप अगर इसका कोई दूसरा नाम जानते हो तो कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता लग जाए। ये जो गोंद होता है ना दोस्तों, ये सर्दी से बचाने के लिए भी, शरीर को एनर्जी देने के लिए भी, और जोड़ों के दर्द के लिए भी बेहद लाभदायक होता है, बिल्कुल रामबाण होता है। आपने क्या करना है, आपने ये गोंद लेना है। और दूसरी चीज़, ये देखिए, ये मिश्री है धागे वाली, जो मोटी मिश्री होती है, ये लेनी है। ये नेचुरल होती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता।
अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो सिर्फ गोंद का ही यूज़ कीजिए, मिश्री को छोड़ दीजिए, और नहीं तो फिर आप इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए। इस मिश्री को हम कूट के लेंगे, कूट लेते हैं, और जो इसमें धागा होगा ना, ये देखिए इस तरह से इसमें धागा होता है, इस धागे को हम निकाल देंगे। कूटने के बाद ये मिश्री हमारी लगभग 3-4 चम्मच है, तो जितनी मिश्री है ना इतना ही हम गोंद ले लेंगे, और अगर कम मीठा पसंद करते हो तो 4 चम्मच गोंद लें तो 2 चम्मच मिश्री भी ले सकते हैं। 4 चम्मच हम गोंद ले लेते हैं और 4 चम्मच ही ये मिश्री है, दोनों चीज़ों को हम पीस लेंगे। और ये देखिए पीसने के बाद ये इस तरह का वाइट पाउडर बन जाएगा। जब आप कच्चे गोंद को पीसोगे ना तो इस तरह का वाइट पाउडर ये बन के तैयार होगा। इस तरह आप ये गोंद का पाउडर बना के तैयार कर लेना, बहुत ही हेल्दी पाउडर है और जोड़ों के दर्द में तो बिल्कुल रामबाण है। इसको आप बना के किसी कांच की बोतल में डाल के रख लेना और सुबह शाम आधी आधी चम्मच लेना। गीली चम्मच से बिल्कुल नहीं निकालना है, जब भी यूज करें सूखी चम्मच से आपने इसको निकालना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा। इसको आप आधी चम्मच सुबह लेना और आधी चम्मच शाम को, और इसके बाद ऊपर से गर्म दूध पी लेना। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग सूखा पाउडर नहीं खा पाते, वैसे तो ये बहुत टेस्टी है, खा जाता है आराम से, लेकिन कुछ लोग होता है कि उनको दसका आ जाता है और सूखा पाउडर नहीं खा पाते, तो आपको मैं इसका दूसरा तरीका बता देती हूँ। अब आपने लेना है 1 गिलास में दूध, और ये दूध दोस्तों गर्म होना चाहिए, ठंडा दूध आपने गलती से भी नहीं लेना। आपने क्या करना है, ये आधा चम्मच ये पाउडर लेना, तो आप इस आधी चम्मच इस पाउडर को दूध में मिला लेना और इसको पी लेना गरम गरम को ही। अगर आपने ठंडा दूध लिया ना तो ये गोंद चिपक जाएगा दोस्तों, इसलिए दूध अच्छा गरम लेना और इसे घोल के गरम गरम ही पी लेना। और इसके साथ ही आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिनके भी जोड़ों में दर्द होता है उनको खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे दही लस्सी और आम का अचार, नींबू का अचार, आंवले का अचार और नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। खट्टी चीज़ें अगर खाते हैं ना दोस्तों तो जोड़ों में दर्द होता है और उसे कोई नहीं रोक सकता, तो खट्टी चीज़ों का आप परहेज रखिए और सुबह शाम हाथ पैरों की हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करिए, थोड़ी बहुत डेली एक्सरसाइज ज़रूर करनी होती है। फिर देखना ये दोनों नुस्खे यूज़ करना और एक्सरसाइज करना और खट्टी चीज़ों का परहेज रखना, आप बिल्कुल फिट रहेंगे, कभी आपको दर्द होगा ही नहीं। इस वीडियो में मैंने आपको 2 नुस्खे बताए दोस्तों, और दोनों ही जोड़ों के दर्द को रोकने के लिए, घुटनों में नेचुरल ग्रीस बनाने के लिए और शरीर को एनर्जी देने के लिए बेहद लाभदायक है। लेकिन ये नहीं होता दोस्तों कि 2-4 दिन लिया और ये कह दिया कि कुछ फ़ायदा नहीं। ये जो गोंद वाला नुस्खा है ये आप सर्दियों में लेना, जैसे अब 1-2 महीना सर्दी है ना, तो 1-2 महीना आप इसे ज़रूर लेना। और जो अखरोट हैं, अखरोट तो अगर आप खा सकते हो, ले सकते हो, तो अपने रूटीन में शामिल कर लेना। रोज़ सुबह आपने खाली पेट 2 अखरोट की गिरी ज़रूर खानी है, फिर देखना जोड़ों में कभी दर्द होगा ही नहीं। तो दोस्तों आपको आज के 2 नुस्खे अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।